अभी जस्ट मैंने देखा है हर जगह से पता चल रहा है कि ऑफिशियली फ्री फायर बैन हो गया है। किधर जा रहे है? सुन रहे हो तो जा रहे है तू? किसने बोला था? अंकल बोल रहे थे। गाइज आप सभी को तो पता ही है फ्री फायर बैन हो चुका है एंड फ्री फायर बैन होने के बाद बहुत सारे लोग निराश है एंड कुछ लोग तो रो रहे हैं। एंड आप सभी को तो पता है हमारे इंडिया कंट्री में काफी बड़े बड़े यूट्यूबर है फ्री फायर के। एग्जांपल के लिए टोटल गेमिंग के गाइज हमारे 31 मिलियन सब्सक्राइबर है एंड उन्होंने ये सिर्फ अपना फ्री फायर के वजह से अचीव किए है। मतलब अगर यहाँ पे फ्री फायर नहीं होता तो उनका यहाँ पे चैनल इतना ग्रो नहीं हो पाता। एंड आप यहाँ पे खुद सोचो जब हमारा यहाँ पे फ्री फायर बैन हो गया है तो हमारे यहाँ पे अज्जू भाई का क्या रिएक्शन होगा। आई नो गाइज आप सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो अज्जू भाई की इस रिएक्शन को देखने के लिए, बिकॉज अभी तक हमारे पे जो अज्जू भाई है इन्होंने फेस रिवील नहीं करा, बट इन्होंने गाइज अभी एक ऑफिशियल रिएक्शन दिया है जो कि गाइज मैं आपको आगे बताऊंगा कि फ्री फायर बैन होने के बाद हमारे अज्जू भाई ने क्या रिएक्शन दिया है। वो लिटरली गाइज यहाँ पे रोने वाला रिएक्शन था। एंड साथ ही साथ गाइज यहाँ पे हमारे जो इंडिया का सबसे बड़ा फ्री फायर प्लेयर है एंड सबसे चहेता फ्री फायर प्लेयर है, मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ राइस्टार की, तो गाइज राइस्टार ने भी यहाँ पे फ्री फायर बैन होने के बाद एक रिएक्शन दिया है जो कि गाइज मैं आपको आगे बताऊंगा। हालांकि गाइज रिएक्शन में इनका फेस तो नहीं था बट उन्होंने एक पोस्ट के जरिए अपना फ्री फायर बैन के ऊपर रिएक्शन शेयर किया जो कि गाइज काफी ज्यादा चौंकाने वाला था। एंड साथ ही साथ गाइज मैं आपको ज्ञान गेमिंग, एस गेमिंग, लोकेश गेमर एंड ऐसे काफी बड़े बड़े यूट्यूबर का रिएक्शन दिखाऊंगा फ्री फायर बैन होने के बाद। सो ये वीडियो गाइज काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। आई होप गाइज आपको आज का हमारा वाला वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अगर गाइज आज आप हमारे इस वीडियो पे 20K लाइक कंप्लीट करा दोगे तो मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी लेके आऊंगा जिसमें मैं और भी काफी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर को कवर करूंगा। है ना गाइज, अगर होगा तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज गाइज मैं अपने चैनल पे ऐसे ही कंटेंट अपलोड करते रहता हूँ। तो चलो गाइज अब हम अपने शानदार से वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। फ्री फायर बैन होने के बाद सबसे पहला जो गाइज हमारे यहाँ पे रिएक्शन आया वो है गाइज हमारे यहाँ पे डाउनटेक गेमर की तरफ से। इनके गाइज यूट्यूब पे 2.3 मिलियन सब्सक्राइबर है एंड यहाँ पे फैक्ट की वीडियो बनाते हैं एंड इनकी वीडियो को काफी सारे लोग पसंद भी करते हैं। अब जैसे ही फ्री फायर बैन हुआ एंड उनको पता चला तो गाइज इन्होंने यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड करा जिसपे गाइज लिटरली रो रहे थे एंड वो बोल रहे थे कि भाई मेरे को इस वीडियो पे लाइक सब्सक्राइब नहीं चाहिए, बस मैं इतना चाहता हूँ कि फ्री फायर दोबारा से इंडिया में वापस आ जाए। एंड गाइज वो लिटरली यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रो रहे थे जो कि गाइज रिएक्शन में आपको आगे दिखा देता हूँ। यहाँ पे फ्री फायर बैन हो गया है, अभी जस्ट मैंने देखा है हर जगह से पता चल रहा है कि ऑफिशियली फ्री फायर बैन हो गया है, पता नहीं मतलब। एंड फ्री फायर बैन होने के बाद क्या गाइज आप भी यहाँ पे रोए हो? अगर रोए तो गाइज कमेंट पे जरूर से बताना बिकॉज गाइज यहाँ पे काफी सारे लोग की आईडी बहुत बड़ी बड़ी आईडी थी जिसपे सीजन पर सेकंड था एंड यहाँ पे रेड क्रिमिनल भी था। सो गाइज यहाँ पे डेफिनेट सी बात है अगर फ्री फायर बैन हो जाएगा उनकी आईडी भी बंद हो जाएगी एंड उनको रोना भी पड़ेगा। सो गाइज अगर आप में से ऐसा कोई बंदा है जो गाइज यहाँ पे फ्री फायर बैन होने के बाद रोया है या फिर उसका रोने का मन करा है तो कमेंट पे जरूर से बताना। मैं यहाँ पे हर बंदे का कमेंट रीड करता हूँ एंड जिस भी बंदे का कमेंट काफी ज्यादा प्यार होता है मैं उसको यहाँ पे हार्ट भी देता हूँ। सेकेंड रिएक्शन जो गाइज हमारे यहाँ पे निकल के आ रहा है फ्री फायर बैन होने के बाद वो निकल के आ रहा है गाइज यहाँ पे ज्ञान गेमिंग की तरफ से। जैसे आप सभी को पता ही है ज्ञान गेमिंग फ्री फायर के सबसे लवेबल क्रिएटर है, मतलब उनको काफी सारे लोग पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ उनकी हरकत। वो जिस तरीके की हरकत करते हैं, जिस तरीके से गाली देते हैं एंड जिस तरीके से लोगों को एंटरटेन करते हैं वो काफी सारे लोगों को पसंद है। मेरे को गाइज खुद ज्ञान गेमिंग सबसे अच्छे क्रिएटर लगते हैं एंटरटेनमेंट के मामले में, बट जब यहाँ पे फ्री फायर बैन हुआ तो उसके बाद उनका यहाँ पे रिएक्शन काफी ज्यादा सैड था। उन्होंने फ्री फायर बैन का न्यूज सुनने के बाद अपना घर तक छोड़ दिया एंड उसके बाद ये वाला वीडियो यूट्यूब पे अपलोड भी कर दिया। एंड गाइस वो उस वीडियो में लिटरली हमारे जो इंडियन ऑडियंस है उनको बोल रहे थे कि भाई और करो लड़ाई, और करो चोरी एंड और करो सुसाइड। इसी वजह से हमारे यहाँ पे फ्री फायर बैन हुआ एंड इसी रीजन के वजह से ज्ञान गेमिंग काफी ज्यादा अपसेट भी हो गए एंड उन्होंने घर छोड़ दिया, जिसका गाइस मैं आपको यहाँ पे छोटा सा पार्ट प्ले करके सुना देता हूँ। जा रहे सुन रहे हो तो जा रहे है तू? किसने बोला था? अंकल बोल रहे थे। हाँ फिर बैठोगे तो क्या करूँ यार, अपना काम धंधा करना पड़ता है ना। तो पापा बोला यार तुम फ्री फायर में, तब तू क्या करेगा घर में बैठ के? तो मैं भी थोड़ा सोच रहा हूँ, कर भाई यार इसका उल्टा इसका उल्टा, इसकी चोरी कर ली, इसके डाका मिली, इससे 7,000 रुपये कर ली, तुम लोगों के चक्कर में हुए सब।
फ्री फायर बैन होने के बाद हमारे जो यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन दिया है वो दिया है टू साइड गेमर ने। उन्होंने गाइस एक दिन पहले एक वीडियो अपलोड करी जिस पर उन्होंने फ्री फायर बैन होने की बात करी। वहाँ पे गाइस टू साइड गेमर बता रहे थे कि अगर फ्री फायर बैन हो गया तो मेरे लिए काफी अच्छा होगा, बिकॉज मेरे को यहाँ पे ज्यादा टॉप अप नहीं करना पड़ेगा एंड मेरे पैसे यहाँ पे बचेंगे, जिस वजह से मैं गाइस अगला जो वैलेंटाइन है उसको अच्छी तरीके से मना पाऊंगा। जो कि गाइस यहाँ पे काफी ज्यादा फनी तरीके से उन्होंने इसका रिप्लाई दिया एंड इस बात को कहा। मैं तो गाइस ये सब चीज सुनने के बाद लिटरली शॉक हो गया कि भाई ऐसा भी होता है कि फ्री फायर बैन होने के बाद कोई फ्री फायर का क्रिएटर अपना वैलेंटाइन अच्छी तरीके से मना पाए। एंड गाइस उन्होंने फ्री फायर बैन के बारे में क्या कुछ कहा उसका पार्ट में गाइस आपको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। थोड़े पैसे भी बच जाएंगे अभी तो महीने के भाई डायमंड्स के जस भाई, अगले साल में भी हम वैलेंटाइन मना पाए अच्छे से। इस साल तो भाई सारे फ्री फायर में पैसे खा लिए, बट ये नेक्स्ट ईयर का वैलेंटाइन अच्छा चले जाएगा अगर अभी से पैसे बच गए तो। यस गाइस, फ्री फायर बैन होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन निकल के आता है वो निकल के आता है एएस गेमिंग की तरफ से। उन्होंने गाइस आज सुबह एक वीडियो अपलोड करा जिसपे फ्री फायर बैन होने के बाद उन्होंने अपना रिएक्शन बताया। एएस गेमिंग ने तो गाइस यहाँ पे लिटरली फ्री फायर का वीडियो बनाना तक छोड़ दिया, मतलब कि वो अपने वीडियो में ऐसा बता रहे थे कि आज के बाद से मैं यहाँ पे कभी फ्री फायर की वीडियो नहीं बनाऊंगा बिकॉज फ्री फायर बैन हो चुका है, अब मैं इसकी वीडियो बना के क्या करूंगा। नेक्स्ट रिएक्शन जो गाइस हमारे पे निकल के आता है फ्री फायर बैन होने के बाद वो निकल के आता है राइस स्टार की तरफ से। जैसा आप सभी को पता है राइस स्टार हमारे फ्री फायर के सबसे चहेते प्लेयर है, मतलब कि गेम प्ले के मामले में सबसे ज्यादा राइस स्टार को पसंद किया जाता है। उनके वन टैप और उनके हेडशॉट तो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है। हालांकि उन्होंने अपना फेस रिवील तो नहीं किया बट उन्होंने एक पोस्ट के जरिए से अपने यहाँ पे फ्री फायर बैन के ऊपर रिएक्शन शो किया जो कि गाइस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। राइस स्टार ने गाइस आज सुबह इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लगाया जिसपे गाइस वो पूछ रहे थे कि फ्री फायर बैन होने के बाद मुझे आगे क्या करना चाहिए, चाय बेचना चाहिए, मच्छी बेचना चाहिए या फिर नारियल पानी बेचना चाहिए। तो गाइस आप यहाँ पे खुद ही बताओ आप फ्री फायर बैन होने के बाद यहाँ पे क्या करोगे, चाय बेचोगे, मच्छी बेचोगे या फिर नारियल पानी बेचोगे। इस चीज का आंसर गाइस मुझे आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर से देना। इस रिएक्शन को देखने के बाद गाइस मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि राइस्टर इस चीज को फनी वे में ले रहे हैं कि फ्री फायर बैन हो गया। राइस्टर को देख के तो गाइस ऐसा लगता है कि सुन वो यहाँ पे कोई एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले है, या तो चाय बेचेंगे या फिर मच्छी, मुझे यहाँ पे नहीं पता। लोकेश गेमर ने भी गाइस यहाँ पे फ्री फायर बैन होने के बाद कुछ रिएक्शन दिया है। उन्होंने गाइस अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करा जिसपे गाइस उन्होंने फ्री फायर बैन के ऊपर बहुत सारी बातें करी। उस वीडियो में गाइस लोकेश गेमर बता रहे थे कि यहाँ पे इंडिया में अभी ऑफिशियली फ्री फायर बैन नहीं हुआ बिकॉज अभी तक हमारा यहाँ पे जो इंडिया का आईटी डिपार्टमेंट है उन्होंने यहाँ पे कोई भी लिस्ट जारी नहीं करा जिसपे यहाँ पे फ्री फायर का नाम हो। इसी वजह से आप सभी लोग घबराओ मत, फ्री फायर दोबारा से इंडिया में वापस आ जाएगा। उस वीडियो का मैं आपको छोटा सा पार्ट प्ले करके दिखा देता हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट होता है वहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, कोई 3 से 4 दिन के बीच में कोई भी ऐप बैन नहीं हुए हैं एंड फ्री फायर अभी तक बैन नहीं हुआ है। वो सिर्फ ब्लॉक किया गया है, ब्लॉक मतलब सिर्फ ब्लॉक हुआ है कुछ दिनों के लिए, कुछ प्रॉब्लम है फ्री फायर में उसके वजह से उसको ब्लॉक कर दिया गया है। पर नेक्स्ट रिएक्शन जो गाइस हमारे यहाँ पे निकल के आता है वो निकल के आता है टोटल गेमिंग की तरफ से, मतलब कि अज्जू भाई की तरफ से। अब देखो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है अज्जू भाई का यहाँ पे जो चैनल है वो इंडिया का सबसे बड़ा गेमिंग चैनल है एंड वो इंडिया का सबसे बड़े क्रिएटर है। इसलिए गाइस अभी तक उन्होंने फ्री फायर बैन के ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया बिकॉज वो अभी यहाँ पे नहीं चाहते कि वो कोई से भी आधी अधूरी न्यूज पे रिएक्ट करे एंड छोटी सी बात को बड़ा बनाए। जब तक यहाँ पे पूरी बात क्लियर नहीं हो जाती तब तक अज्जू भाई यहाँ पे चुप ही बैठेंगे, उन्हें देख के ऐसा लगता बिकॉज गाइस आज अज्जू भाई ने अपने मेन चैनल पे एक वीडियो अपलोड करा जो कि वो नॉर्मल अपने चैनल पे अपलोड करते हैं, वो एक गेम प्ले की वीडियो थी। अभी तक उन्होंने फ्री फायर बैन के ऊपर वीडियो नहीं बनाया एंड अपना रिएक्शन शो नहीं किया। अज्जू भाई गाइस अभी ऐसा सोच रहे हैं कि जब तक आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आती तब तक वहाँ पे फ्री फायर बैन के ऊपर वीडियो नहीं बनाएंगे। आई होप गाइस अभी तक आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बिकॉज गाइस मैं अपने चैनल पे ऐसे ही कंटेंट अपलोड करते रहता हूँ।